दोस्तों, आपके जहन में रेप जैसे संजीदा अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी का अक्स, जेल की कुंद कोठरी और हाथों में हथकड़ी वगैरह वगैरह जरूर कौंधता होगा। लेकिन आज हम आपको यूपी के बुलंदशहर में एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके भी होश फाख्ता हो सकते हैं। अलमारी की कतार में सजी कई तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, ताजा सेबों से सजी टोकरी और ठंडी हवा फेंकते कूलर की ये तस्वीर बुलंदशहर जिला अस्पताल की है। अस्पताल में भले ही गरीब और गंभीर मरीजों को एक अदद स्ट्रेचर और एक अदद बेड के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती हो, मगर जिला अस्पताल में रेप के आरोपी का रुतबा देखने लायक है। अस्पताल में रेप के आरोपी की वीआईपी आवभगत चल रही है और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। दरअसल अस्पताल में बीमारी की आड़ में परिवार के साथ आराम फरमाते श्याम बिहारी पर एक नाबालिग ने करीब 3 महीने पहले बुलंदशहर की सिटी कोतवाली में रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्याम बिहारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने रेप के आरोपी श्याम बिहारी को जेल भेज दिया। बताया गया है कि जेल में श्याम बिहारी को सांस लेने में तकलीफ हुई तो जेल प्रशासन ने सोमवार को श्याम बिहारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया, जहाँ उनका प्राइवेट वार्ड में वीआईपी आवभगत के साथ इलाज चल रहा है। बड़ा सवाल ये कि अगर श्याम बिहारी इस हद तक बीमार थे कि उनको जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया, तो अस्पताल के वीआईपी कमरे में तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक आखिर क्यों और किसके लिए सजाई गई है। वहीं जैसे ही रेप के आरोपी की जिला अस्पताल में आवभक्ति की खबर मीडिया में पहुंची, तो अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में श्याम बिहारी को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर बेटियों की अस्मत लूटने वाले अपराधियों के साथ मशीनरी यूं ही दंडवत रहेगी तो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन का वजूद ही खत्म हो जाएगा। कौन है ये? ये है श्याम बिहारी। किस मामले में आरोपी है? ये आरोपी है 376। कितने महीने से जेल में बंद है? मुझे नहीं पता भैया, मैं तो अभी पोस्टिंग हो गया हूँ परसों, तो मुझे जानकारी नहीं। आपको ये नहीं पता कि किसी मुलजिम को जेल से लाया जाता है या कहीं भी उसका ट्रीटमेंट चलता है, हथकड़ी वगैरह रखी जाती है? तो हथकड़ी जो है लायक बंदी नहीं है, ये बंदी बार बार बैठा बैठा के ले जा रहे हैं वहाँ। अच्छा, दिक्कत है, तकलीफ है चलने में? इनकी साँस फूलती है, दवा है, और बाकी तो डॉक्टर बताएंगे क्या है बीमारी क्या है। देखिए, ऐसा है कि प्राइवेट वार्ड में जो उसने कूलर वगैरह तो वहाँ तो ऑलरेडी वो लगा हुआ है इसी, और नहीं तो पंखे लगे हुए हैं, यहाँ तो जरूरत भी नहीं पड़ती प्राइवेट कूलर के लाने की। दूसरी बात यह है कि उसे मरीज को आज हायर सेंटर के लिए रिफ़र किया जा रहा है और वो रिफरल उसका बन गया, थोड़ी देर में वो चला जाए। क्या जानकारी मिली है उसके मुलजिम के बारे में? मुलजिम के बाद जितनी कुछ जाँच की थी कल कराई थी तो कुछ उसका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा था, उसके बाद ऑक्सीजन लगाई गई तो वो कंफर्टेबल हो गया, अब उसे आज जो हायर सेंटर के लिए भेजा जा रहा है। बुलंदशहर से Time24 न्यूज़ के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।